एक्टर बनने के लिए पागल हो रखा है, या फिर उसे एक्टर बनने का जुनून सवार है। ऐसे सेंटेंस हम बोलते तो हैं, लेकिन शायद आपको इसकी इंग्लिश ना आए। तो आज हम सीखेंगे ऑब्सेस विद का यूज। सबसे पहले देखिए, ऑब्सेस के साथ हमेशा आप विद का यूज करेंगे। हिंदी में इसका मतलब हो सकता है पागलपन, किसी चीज के लिए पागल होना, या किसी चीज का दीवाना होना, या जुनून सवार होना। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे होगी इज एम आर। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि इज हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल के साथ। और आई के साथ? एम। तो सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्सेस्ड विद। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको यूज करना है हमेशा आईएनजी फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं जिरन। तो हमेशा आपको ऑब्सेस्ड विद के साथ आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज एन इनक्रेडिबल ऑब्सेशन विद मूवीज। मतलब क्या है? उसका मूवीज को लेकर बहुत ज्यादा वो क्या है, क्रेजी है, ये पागल है। तो वहां पे हम बोलेंगे, अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्सेशन आपका नाउन है। ही इज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद हिज करियर एंड जॉब फॉर अर्निंग मनी। अर्निंग, तो क्या बोला यहाँ पे, ही इज कंप्लीटली ऑब्सेस्ड, पूरी तरीके से अपने करियर के लिए क्या है, पागल है। ये उसे अपने करियर को अच्छा करने के लिए जुनून सवार हो रखा है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे ऑब्सेस्ड विद हिज करियर एंड जॉब फॉर अर्निंग मनी। माई सिस्टर इज ऑब्सेस्ड विद एक्सरसाइजिंग एंड हेल्थ। अभी मैंने क्या कहा आपको, इसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज हो रखा है। मतलब मेरी सिस्टर क्या है, उसको एक्सरसाइज करने का जुनून सवार है, और क्या, अपनी हेल्थ को लेकर भी। कुछ कुछ होते हैं जो अपनी हेल्थ के लिए काफी कॉन्शियस होते हैं, तो शी इज वन ऑफ देम। अब देखो, अगर नेगेटिव में करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस्तेमाल के बाद नॉट लगा दो। जैसे मैंने कहा भाई, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद माई ब्यूटी, या फिर मैंने कहा आई एम नॉट वन ऑफ देम हु इज ऑब्सेस्ड विद मनी। मैंने कहा मैं उनमें से नहीं हूँ जो पैसे के लिए क्या है, पागल है, दीवाने, जिनको जुनून सवार हो रखा है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव में ऑब्सेस्ड विद का यूज करेंगे, और यहाँ पे इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा। वही अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप इज एम आर का यूज पहले कर लेंगे। जैसे मैंने कहा भाई, क्या तुम्हें पैसा कमाने का जुनून सवार है, तो अगर आर यू ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी, अच्छा क्या उसे है, तो इज शी ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी। अब देखिए, Why are people so obsessed with money? कुछ लोग पैसों के लिए इतना दीवाने क्यों हैं? तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, Why some people are obsessed with money? Next है, I am not obsessed with her. इसका मतलब क्या है कि मैं उसके लिए दीवाना नहीं हूँ, क्रेजी नहीं हूँ, तो I'm not obsessed with her. He was obsessed with his physical fitness. मतलब अपनी physical fitness के लिए क्या है, बहुत पागल है, ये दीवानी है, ठीक है? तो he is obsessed with his physical fitness. तो आई होप आपको ऑब्सेस्ड विद का यूज समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।